Day 53. 53 डे चालू हो चुका है, क्या बात है। तो सफर हो चुका है चालू डे 53 का, और नाश्ता वास्ता करके निकल गए। रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि चार्जिंग पे फोन था, और नाश्ता खाया आलू का पराठा। आप कहोगे कब तक दिखाया गया आलू का पराठा, तो मैंने कहा जर्नी जो है डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। बाकी बटर जो है आगे पीछे घूम रही है मेरी, और गंदा कर चुकी है अपने आप को, एक कुत्ते के साथ खेलने लग गई थी। पर कोई नहीं, आगे जाके नहलाएंगे, फिलहाल जो है चल पड़े। कोहरा नहीं है, धूप है, पता नहीं सर्दी कहाँ गायब हो गई, दो तीन दिन पड़ी और उसके बाद पता ही नहीं चला। पर कोई नहीं, अच्छा है, कोहरा नहीं है वो भी अच्छा है, हो तो भी अच्छा है, सभी अच्छा है। तो फिलहाल जो है चलते हैं आगे। तो भैया जी काफ़ी देर हो चुकी है चलते चलते, और धूप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सूरज जो है वो डायरेक्ट सर पे लग रहा है, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है। इससे अच्छा मौसम था यार, दो तीन दिन पहले कोहरा था, पर एटलीस्ट मौसम ठीक था। इस टाइम पे तो मैं जैकेट पहन के चल रहा था, बट फिलहाल जो है बहुत गर्मी हो गई है। मुझे क्या, बटर को भी बहुत गर्मी लग रही है, बटर वहाँ चल रही है और वेस्ट बदली है मैडम की। चलते चलते कहीं भी कूदने लगती है, मिट्टी में, पानी में, तो वैसे ज़्यादा गंदी ना हो जाए, और ऊपर से काफ़ी गर्मी भी थी, तो जो है बटर की बेस्ट बदल दी गई है। तो बटर अपने दूसरे गियर में चल रहे हैं, बढ़िया एकदम। और हाईवे पे ही चलना है, देखो कितनी दूर है ये हाईवे पे, करीब करीब 7 दिन और चलना है मुझे ताकि मैं बनारस पहुँच पाऊँ। पर देखो क्या होता है, फिलहाल आगे जो है कहीं चाय वाय के लिए रुकने की कोशिश करेंगे एक बार। मतलब इतना प्यारा लैंडस्केप आ जाता है यूपी में कई बार, क्या बताऊँ। मतलब खेती खेत, और यहाँ नहर बह रही है सीधा, एकदम नहर जा रही है, बहुत ही बढ़िया। और नहर में यूजली लोग नहाते वाते हैं बढ़िया अपना, कभी कभार कपड़े भी धो लेते हैं, खुद को धो लेते हैं, क्या है, पर सही है। और दिखने में लगता है थोड़ा मडी वाटर है, बट साफ पानी है, सब बोरिंग का नल का जो पानी है वो ऐसी नहरों से आता है, और बहुत ही सुंदर है, मतलब क्या बताऊँ। ऐसा व्यू देख के फिर गर्मी वर्मी सब पीछे छूट जाती है, ऐसा लगता है कि बस इसी के लिए तो चल रहे हैं, और क्या है। मज़ेदार। कौन कहता है कि पहाड़ ज़रूरी है सुंदरता के लिए, बिल्कुल नहीं, बढ़िया एकदम, मज़ा आ गया मतलब। और बटर अपने वजह ले रही, एकदम चल रही है, उसको थोड़ा गर्मी ज़्यादा लग रही है क्योंकि सूरज जो है सर पर है। अब करीब 1 बज रहा है और आज ढंग से कोहरा पड़ा नहीं, ठंड इतनी है नहीं तो गर्मी ज़्यादा है। पर लेते हैं आगे ब्रेक लेते हैं एक, और फिर चलेंगे, क्योंकि लखनऊ से जब से निकला हूँ तब से काफ़ी आराम आराम से चल रहा हूँ, पर थोड़ा आज जो है रास्ता खींचने का मन है। पर कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खींचा जा रहा तो कोई नहीं, मन कहा क्या है, आराम आराम से चलेंगे ऐसी जंगल वादियाँ देखते हुए, एकदम बढ़िया। ये हाईवे का ब्रिज आ रहा है, यूजली ऐसे ब्रिज पार करने के बाद जो है ढाबे वाबे होते हैं तो वहाँ जा के रुकेंगे। लैंडस्केप जो है इतना बदल गया है एकदम से कि मत पूछो, बहुत मज़ा आ गया देख के। ये फ़ायदा है प्लेन्स पे होने का, काफ़ी ग्रासलैंड्स, काफ़ी वेजिटेशन हो सकती है। और उस साइड वो जो है वो तो चावल उग रहा है यहाँ पे, और यहाँ का पता नहीं मुझे क्या उग रहा है, पर ये जो है पूरा आप देख रहे हो वो चावल है, येल्लो येल्लोश। बटर एज यूजुअल धूप आते ही मेरी परछाई में चलने की कोशिश कर रही है, नहीं दूंगा मैं, नहीं परछाई नहीं दूंगा। क्या बटर? हाँ कोई नहीं, सही है, धूप ज़्यादा हो रही है तो वो बचने की कोशिश कर रही है। और देखो ओहो आलसी। और फिलहाल हो गया काफ़ी टाइम, तो आगे ढाबा दिख रहा है, वहाँ पे रुका जाएगा चाय वाय ब्रेक के लिए, भूख भी लग रही है कुछ खा लेंगे, और रेस्ट भी हो जाएगा। बाकी पानी पी रहा बहुत सारा, मतलब 1.5-2 लीटर जितना सूरज है आज, अगर आप देख सकते हो ऊपर वो चमक रहे हैं। अरे देखो कैसे एकदम सूरज चमक रहा है,
तो आप सोच सकते हो कितनी गर्मी लग रही होगी। कोई सर्दी नहीं है इधर, कोई भी नहीं, मर गया गर्मी में यार, मतलब ऐसी तैसी हो गई एकदम। ये देखो मुर्गे की तरह रुए बाहर आने लगे हैं यहाँ से, ये गर्मी की वजह से हो रहा है सब। हरा कर नहीं, पर व्यू अच्छा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। गर्मी तो हो रही है और क्या है, झेल लेंगे। बादल आ गए एकदम से, इतना सुंदर हो गया है। सूरज लगते लगते एकदम कम हो गया और ऐसा लग रहा है एक बर्ड उड़ रही है वहां पे। थोड़ी देर हो चुकी है और अब सूरज जो है वो लगना कम हो गया है, क्योंकि करीब 3:30 बज रहे हैं और सनसेट जल्दी हो जाता है सर्दियों में, तो इफेक्ट जो है धूप का कम हो गया है, जो सही है काफ़ी मतलब। और देख सकते हो बादल भी ऊपर आ गए हैं, बाकी व्यू बहुत सही चल रहा है बराबर में, एकदम बढ़िया। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ से एक टोल पड़ता है जो करीब पड़ेगा यहाँ से 6-7 किलोमीटर या ज़्यादा, तो उससे पहले जो है ढाबे आएंगे। तो एक गाँव है अलीगंज, तो अलीगंज क्रॉस करने के बाद मैं कहीं रुकूँगा, जो भी गाँव पड़ेगा, पता नहीं कौन सा पड़ेगा, पर वहाँ तब तक चला जा सकता है। तो करीब 4-4:30 बजे वॉक जो है ख़त्म कर देनी है, और एक घंटा है अभी, एक घंटा और चलते हैं लगातार। एकदम हरे भरे से फील्ड आ गए हैं, बहुत ही सुंदर, मतलब एक साइड ये हरे भरे फील्ड है और एक साइड सूरज जो है एकदम बढ़िया लग रहा है, बादलों से छुप गया थोड़ा। और ये रहा जो है हाईवे सुल्तानपुर का, सब अलग, पर आसमान जो रखा है आज वो अलग, ऐसा लग रहा है महादेव का त्रिशूल आया हो। तो फिलहाल चलते चलते मैं आ गया हूँ मनियारी गांव में, और यहाँ पे मैं रुका हुआ और सर के साथ बैठा हूँ। सर जो है धर्म गुरु हैं यहाँ पे, शिया के और इस्लामिक रीजन के, तो यहाँ पे मैं सर के साथ बैठा, काफ़ी बातें हुई, मतलब काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हुई, काफ़ी मतलब ऐसा मिला है कि सीखने को, मतलब जर्नी में ऐसा कुछ मिले तो वही बहुत है, ऐसा थॉट प्रोसेस हो पाना कि ये सोच पाना कि इंसान एक है, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। सर का ही जो है गिराए गाँव है और सर जो है धर्म टीचर है, पढ़ाते हैं बच्चों को यहाँ पे, और तो मैं ढाबे पे रुका, पीछे से गाँव में से आ रहा था, सर ने देखा तो पीछे पीछे से आए, तो अभी जो है तंबू वम्बू लगा के पीछे रुकेंगे और फिर बाकी और बातें करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो है भैया हमारे बहुत अच्छे मित्र निकले और थोड़ी सी मुलाकात में बड़ा अच्छा लगा भैया से मुलाकात करने के बाद, और यही है कि भैया मेरा भारत महान, आई लव माय इंडिया। और ऐसा ही रहे तो मजा आ जाए, मतलब एकजुट होकर रहे तो कमाल है दुनिया। बढ़िया वॉलीबॉल चल रहा है एकदम, तो फाइनली समय हो गया है खाना खाने का, और मैं अभी जिस ढाबे पे हूँ उसका नाम है फैमिली ढाबा, और एक नंबर मतलब बहुत बढ़िया खाना है, दाल मिक्स वेज और तंदूरी रोटी। बटर जो है पीछे है, इधर उधर ज़्यादा मस्ती कर रही थी, थोड़ा बांध दिया है अभी, तो पहले खुद खाते हैं फिर बटर को खिलाएंगे। एकदम बढ़िया दाल, आलू की सब्जी, तंदूरी रोटी, और वहाँ सब बना रहे हैं एकदम बढ़िया। बटर कर रही है, बस छोड़ दें।
खाना खा लिया और मीनवाइल बटर को भी खिला दिया था खाना एकदम बढ़िया। तो फिर खाना वाला खा लिया है तो सो जाते हैं। बटर जो है वेट कर रही कब उसे खोला जाएगा वो बटर का खाना का कि खोल दें, तो तब से कर रही है। बट इधर उधर भाग रही थी तो ठीक है, कभी कभार कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल जो है सोने चलते हैं और कल मिलेंगे एक नए दिन एक नए सफ़र में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो।